नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 30 अगस्त 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, जल्दी से जानते हैं आज सुबह के यानी आज के दिन के शुभ अशुभ समय को। शुभ समय है 11:56 AM से लेकर 12:46 PM तक, जिसको हम अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। त्रि पुष्कर योग है 6:02 AM से लेकर 8:21 AM तक। रवि योग है 1:52 PM से लेकर 3:22 PM तक। सर्वार्थ सिद्धि योग है 6:02 AM से लेकर 6:52 PM तक, पूरे सुबह से शाम तक। और इन्हीं सर्वार्थ सिद्धि योग में रवि योग, त्रिपुष्कर योग, बाकी योग भी होंगे, तो अच्छा दिन है योग के हिसाब से। राहु काल है 5:05 PM से 6:40 PM तक। प्रदोष व्रत का आज दिन है, तो शुभ समय में शुभ काम, अशुभ समय में सावधानी, ये नियम है। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। हम आज आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग राशिफल देखते हैं अपना एक दिन अच्छा करने के लिए कि आगे आने वाला दिन कैसा होगा, और मेरा उद्देश्य है कि आपका आगे आने वाला भविष्य बढ़िया हो, प्रतिदिन बढ़िया हो। आपकी और मेरी सोच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप एक दिन की सोचते हैं, मैं आपके लिए सारे जीवन की सोचता हूँ। तो अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे तो सिर्फ भला आपका है, मेरा तो जो होना है सो होगा। जीवन में अनेक प्रकार के कर्ज होते हैं, ऋण होते हैं, जिससे हम परेशान होते हैं, जो हमारी कुंडली में होते हैं, जो हमें पता चलते हैं। ऐसे ही उसमें से एक ऋण होता है राहु का ऋण। इस ऋण के कारण व्यक्ति मरने के बाद अगर आपके ऊपर ये ऋण है और आपने इसका निवारण नहीं किया, तो इस ऋण के कारण व्यक्ति मरने के बाद भूत प्रेत बनता है। किसी संबंधी से छल करने के कारण या किसी अपने से बदले की भावना रखते हुए यह ऋण लगता है या उत्पन्न होता है। कोई जरूरी नहीं कि आपने इस जन्म में किया हो, पिछले जन्मों में किया हो तो उसका फल इस जन्म में मिलता है। इस ऋण के कारण कई बार गहरी सर पर चोट लगती है, निर्दोष होते हुए भी आप मुकदमों में फंस जाते हैं, संतान को कष्ट होता है। ऐसे ही केतु का ऋण भी होता है। केतु का ऋण जिसके ऊपर होता है उसकी जो संतान है वो बड़ी कष्टों से होती है या बड़े विलंब से होती है, विवाह के बाद भी बड़े डॉक्टरी सलाहें लेनी पड़ती हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है, और यदि बच्चा जन्म ले भी लेता है तो वह बच्चा अक्सर बीमार रहता है जब तक आप इस ऋण को उतारते नहीं हैं। ये ऋण कैसे होता है, आपने इस जन्म में तो नहीं, पिछले जन्मों में कभी आपने या आपके दादा परदादाओं ने किसी कुत्ते को मारा हो तो ये ऋण आपके ऊपर चढ़ जाता है। आप कहेंगे ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर ही हमें परेशान करती हैं, असफल बनाती हैं। ऐसे ही शनि का ऋण भी होता है। जो किसी का मकान, भूमि, संपत्ति, घर, दुकान वगैरह जबरदस्ती गलत साइन कराकर या उल्टी सीधी सलाह देकर हड़प ले, किसी की हत्या करवा दे, किसी निर्दोष को किसी दोष में फंसवा दे, किसी निर्दोष का फायदा उठाए, किसी की कमाई खाए, किसी का मेहनत का पैसा ना दे या परेशान करे, तो ऐसे पर शनि देव का ऋण चढ़ता है। और इस ऋण के कारण मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, व्यक्ति का परिवार बिखर जाता है, कहीं से शांति नहीं मिलती है। तो राहु का ऋण, केतु का ऋण, शनि का ऋण। अगर आपके जीवन में, आपके जीवन में या आपके किसी परिचित के जीवन में व्यवसाय या नौकरी और अन्य कामों में बाधाएं आ रही हैं, अस्वस्थ हैं, अशांति है, मानसिक अशांति, आसपास अशांति, धन जुड़ नहीं रहा है, यात्राएं कष्टकारी हो रही हैं, मित्रों से तनाव है, संतान संबंधी चिंता है, शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, जुए और लॉटरी में खूब नुकसान हो रहा है, इसी में बर्बाद हो गए, शत्रु जो है वो हावी हो रहा है और ऋण में पैसा डूबता चला जा रहा है, तंत्र मंत्र बाधा, नजर दोष, ये सब चीज़ों में भूत प्रेत के चक्रों में आप फंसे हुए हैं, इन सबसे परेशान हैं, शिक्षा में परेशानी है, विदेश यात्राएँ विलंबित हो रही हैं, विवाह देरी से हो रहा है, संतान कष्टकारी
तरीके से पैदा हो रही है या हो ही नहीं रही है, हर काम रुकता है, हर काम वक्त लेता है, सरकारी काम बिगड़ते हैं, नौकरियां नहीं लग रही हैं, परिवार में अशांति है, जिसकी नौकरी है वो भी छूटती चली जा रही है, जहां जाओ वहां पर लूटने वाले बैठे हैं, जहां जाओ वहां पर लोग आपको लूट कर पागल बनाकर वापस भेज देते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, प्यार मोहब्बत जीवन साथी हर तरीके के रिश्तों में तनाव है, गलत जगह गलत घरों में शादियां हो जा रही हैं, दिखाया कुछ जाता है होता कुछ और है, तलाक हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है इस संसार में। तो ऐसी चीज़ों से अधिकतर लोग ग्रसित हैं, और आप भी ग्रसित हैं तो इसका एक कारण हो सकता है कि राहु का ऋण, केतु का ऋण, या फिर शनि का ऋण आपकी कुंडली में हो, पितृदोष आपकी कुंडली में हो, या और बुरे दोष आपकी कुंडली में हो, क्योंकि अधिकतर लोगों की कुंडली तो अधिकतर लोगों के पास है नहीं, क्योंकि उनके पास जानकारियां ही नहीं हैं, लेकिन वो परेशान हैं। अब किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन संतान का सुख नहीं है, संतान से परेशान है, तो उसका जीवन भी कष्टकारी है बेचारा, क्या करे वो, किसी के पास ये नहीं है तो किसी के पास वो नहीं है। तो ये मत देखिए कि बड़ी गाड़ी में कोई घूमने वाला व्यक्ति जो है वो अच्छा ही है, हो सकता है बड़ी गाड़ी में घूमने वाला व्यक्ति दो रोटी भी वक्त पे ना खा पाता हो, क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां लगी हों, तो सेहत से दुखी है, परिवार की अशांति से दुखी है, तो बहुत कुछ है। तो सबके जीवन में अगर आप झांक के देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ निकलेगा। तो इस वीडियो को कोई छोटा देख रहा हो या बड़ा देख रहा हो, तो अगर आप लोग ऐसी चीज़ों से परेशान हैं तो इन सब के कारण हो सकते हैं। अब इन सब के लिए बहुत पूजा पाठ तंत्र यंत्र मंत्र संयंत्र की जरूरत होती है, लेकिन मैं आपको पिछले कुछ दिनों से आपके भले के लिए बता रहा हूँ वो है लाजवर्द। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी के प्रभाव में हैं आप, और अगर ऐसी भी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं तो लाजवर्द रत्न धारण कर लें। सिर्फ आज को ना देखें, आगे आने वाले भविष्य को भी देखें। अगर आज कमा भी लिया और आगे आने वाला दिन अच्छा नहीं हुआ तो वो भी बचेगा नहीं, और अगर आज को सवार लिया तो कल जरूर अच्छा हो जाएगा। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि एक टाइम था आज से 5 साल पहले 4 साल पहले मैं करोड़ों में घूमता था, 4 गाड़ियाँ थी, न जाने क्या क्या था मेरे पास, ये था वो था, आज वो हालत है कि पूछो नहीं, 4 पैसे जोड़ने तो छोड़ो, 4 पैसों का इंतज़ाम नहीं है, करोड़ों से रोड पे आ गए, अपने भी दूर हो गए, बहुत कुछ हो गया था। आज ऐसे एक सज्जन से बात कर रहा था, तो ऐसा ही होता है। और कुछ गलतियां आप लोग क्या करते हैं कि अपनी मन मर्जी से उपाय करने लगते हैं, गलत शलत अंगूठियां पहन लेते हैं, उससे भी नुकसान होता है। तो हमेशा कोई भी चीज़ ऐसी पहनी है, जो भी पहननी है वो किसी की सलाह से पहनी है। तो ये जो मैं आपको लाजवर्द रत्न बता रहा हूँ, ये आपको नुकसान नहीं देगा, आपकी राशि को फ़ायदा देगा और आपको राजा बना देगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ऐसे ही आज मैं सुबह किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने 7 मुखी रुद्राक्ष पहना, तो उन्होंने कहा, वो पंजाब से थे, उन्होंने कहा कि मुझे जो लोग पैसा देते नहीं थे वो लोग पैसा घर आकर देने लग गए। तो आप लोग जिन लोगों ने ये सब चीज़ें पहनी हैं, आपको लाभ हो रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि और लोगों को भी पता चले और मुझे भी पता चले, मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो आप लोग लाजवर्द रत्न ले सकते हैं, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, एल लिखें और मैसेज कर दें, बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं राशिफल की। अब कुछ लोग ये कहेंगे, सचिन जी रोज़ पत्थर बेच रहे हो, दुकान खोल के रख दी है, तो भैया आप ही के भविष्य के लिए बेच रहे हैं, आप तो अपना एक दिन सवार नहीं पाए इतने सालों में, अब मैं सवार नहीं आया हूँ तो मेरी तरफ ही उंगली उठा रहे हैं, तो ये तो दुनिया में का दस्तूर है, जो सुधारने निकला है उसको गालियाँ खानी पड़ेंगी। हम आपकी गालियाँ खाने को तैयार हैं, बशर्ते आपका जीवन सुधर जाए। अब राशिफल सुन लीजिए अपना। बात करेंगे तुला राशि की। आपकी माँ का प्यार और सहयोग और उनका आशीर्वाद आज आपको राजा बना सकता है, बढ़िया दिन दिखा सकता है। खरीदारी करने का शुभ दिन है, घरेलू जरूरत के सामान की खरीदारी होगी, परिवार के लोगों का साथ होगा, मित्रों के साथ मौज मस्ती होगी, दोस्तों के साथ आनंद होगा, थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, जीवन साथी से प्यार बढ़ेगा, घर पर पैसा लगाना यानी घर की चीज़ों पे पैसे लगाने का आज विचार बनेगा, दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है आज, सफलता
किसी न किसी कारण से आपकी दोस्त बन जाएगी। आप जाएंगे जिस तरफ और जिस तरफ आप हाथ किसी भी काम में हाथ डालेंगे वहां से सफलता का फल निकलेगा। आप अपनी पुरानी योजनाओं को सुधार सकते हैं। आज का दिन ऐसा है कि आपने जो गलतियां की थी वो गलतियां आपको पता चल जाएंगी, सुधार के आगे आने वाले वक्त में लाभ कमा लेंगे। मौजूदा अवसरों को पहचाने। आज आपके आसपास सफलता के अवसर घूम रहे हैं, उन अवसरों को पहचाने और पकड़ लें और प्रॉफिट कमा लें। धैर्य रखें, आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। आगे आने वाले दिनों में माता जी की सेहत का ध्यान रखें, पिताजी की आमदनी बढ़ेगी, भाई बहन से प्यार बढ़ेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया रहेगी। आप अपने अलावा आज सभी के लिए सोचेंगे, सभी का भला करेंगे और खुश रहेंगे। आज आप किसी को दो रोटी खिलाकर ये नहीं कहेंगे कि मुझे कोई तकलीफ हुई, आज आप ये कहेंगे मजा आ गया, अच्छा था, मेरे हाथों पुण्य कर्म हुआ। आज आपसे कोई कुछ मांगेगा तो भी आज आप दे देंगे। आज कोई आपसे कोई काम कहेगा तो भी आप प्यार मोहब्बत से वो काम कर देंगे। आज आप दयालु हृदय के होंगे। अच्छा दिन है, बेहतरीन दिन है, तो आनंद उठाइए और अवसरों का लाभ उठाइए। नौकरी और व्यवसाय में और शिक्षा के क्षेत्र में जो अवसर आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनका लाभ उठाकर सफल बनिए। और लाजवर्द रत्न इसलिए भी पहनिए आप लोग क्योंकि राहु केतु का जो परिवर्तन है आपके लिए उतना बेहतर नहीं है, और ध्यान रखिएगा। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें लाजवर्द रत्न के लिए अल लिखकर, और हनुमान जी की उपासना करें, शिव जी की उपासना करें, सुंदर कांड का पाठ करें, माता पिता का आशीर्वाद लें और गायत्री मंत्र का जरूर स्मरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और अपने कर्मों को अच्छा रखें, खुद को अच्छा रखें, सोच समझ कर काम करें, किसी का बुरा ना करें और कोई आपका बुरा करे तो एक बार उसे जरूर माफ कर दें। लेकिन शत्रु को माफ जरूर करें लेकिन शत्रु पर से नजर ना हटाएं, ताकि ताकि शत्रु अगर एक बार उसने बुरा किया आपने माफ किया, अगर वो दोबारा भी बुरा करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो एक गलती माफ लेकिन दूसरी पर मिलेगा जवाब। इस रणनीति से चलेंगे तो फिर कभी पीछे नहीं हट पाएंगे, हमेशा सफलता मिलेगी। हरिओम, नमस्कार।